आप सबके समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आई नो अब आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा पढ़ाई के अलावा कुछ और एक्टिविटीज करने का। आप वैसे 90% अभी भी इस टाइम को इंस्टा और एफबी पे वेस्ट करने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो शायद 90% लोगों के लिए है ही नहीं। ये वीडियो सिर्फ उन 10% लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में ना कुछ चेंज चाहते हैं, जो ग्रोथ करना चाहते हैं या फिर जो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसी कुछ तीन चीजें जो मैं चाहता हूँ आप अपनी समर वेकेशन में करो मैच्योर होने के लिए या फिर अपने माइंडसेट पे काम करने के लिए। पहला है मूवीज देखो। नहीं, वो हीरोपंती या फिर एक्शन या लव स्टोरीज नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसी मूवीज देखो जो आपको सोचने का दायरा बढ़ा सके। अक्टूबर स्काई हो गई, पर्स्यूट ऑफ हैप्पीनेस हो गई, द फाउंडर हो गई, या फिर जॉब्स हो गई, ऐसी मूवीज जो समझ आपको समझा सके कि यार रियलिटी में लाइफ चलती कैसे, रियल लाइफ स्टोरीज। मैं आपको पूरी की पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, ये काफी सारी मूवीज है, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से देखो, रोज दिन में एक, दो दिन में एक देखो, क्योंकि मैच्योरिटी वाले प्रोसेस में ना वो चीजें बड़ी मैटर करती है जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो। अगर लव स्टोरी एक्शन मूवीज ही देखते रहे, वो एनिमे वगैरह देखते रहे, तो वही कंटेंट दिमाग में जाएगा और वैसे ही रिस्पॉन्स आएगा। अगर आपने अपने कंटेंट को प्रोडक्टिव नहीं बनाया, अच्छा नहीं बनाया, तो बाहर भी अच्छा नहीं आएगा, आप भी अच्छे नहीं बन पाओगे, समझदार नहीं बन पाओगे। तो अपने अंदर जाने वाले कंटेंट को कंट्रोल करो। सेकंड, बुक रीड करो। आई नो बहुत बोरिंग है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पूरे महीने में बस एक बुक रीड करो, रोज 5 पेज रीड करो, चाहे ऑडियो बुक सुन लो, पर एक बुक तो कंप्लीट करो। यार बुक के पीछे का कॉन्सेप्ट समझो, एक बंदे ने अपनी 50-60 साल की पूरी लाइफ की जो भी लर्निंग है वो उस बुक में उतार दी है। अब आप कुछ घंटों में उस बुक को रीड करके वो जो उसने 50-60 साल में सीखे वो सीख सकते हो। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, हाईली सक्सेसफुल हर एक बंदे के अंदर सेम हैबिट होती है, वो रीडिंग जरूर करता है, क्योंकि उसे पता है कि जैसा कंटेंट अंदर जाएगा वैसा वो बनता जाएगा। तो अपने अंदर जाने वाले कंटेंट को कंट्रोल करो और आप कुछ टाइम के अंदर देखो कितनी ज्यादा चीजें चेंज आती है। जैसे आपका सोचने का तरीका बदलता है, वैसे ही आपकी लाइफ बदलने लग जाती है। थर्ड, अपने ऊपर काम करो, हेल्थ पर, अपने माइंड पर थोड़ा करो, पर करो। रोज सुबह आधे घंटे एक्सरसाइज करो, लेकिन करो, वॉक करो, खेलो, एक्सरसाइज करो, बॉडी वेट एक्सरसाइज कुछ भी, पर बॉडी, अपनी बॉडी पे काम करो। आपको समझ आएगा कि कैसे वो जो होता है ना, बिना बात के मूड खराब रहना, आजकल तो बहुत रहता है कॉमन, बिना बात के मूड खराब रहना, मूड स्विंग्स होना, ये सब आपका ना हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। और एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी बॉडी क्या रहती है, हार्मोनल क्या रहते हैं, बिल्कुल लाइनअप रहते हैं। आपको समझ आएगा कैसे हमारी बॉडी और माइंड कनेक्टेड है। यार अपनी माइंड सेट पर काम करो, पॉडकास्ट सुनो, संदीप माहेश्वरी के सेशन सुनो, अमन दत्तरवाला को सुनो, या फिर रणवीर लाबदी के पॉडकास्ट सुनो, सुनो ऐसी चीजें जो अच्छा कंटेंट है। जैसा कंटेंट जाएगा वैसे आप चेंज हो पाओगे। तो वो 10% बच्चे जो सच में चेंजेस आते हैं, जो ग्रो जाते हैं, मैच्योर होना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, ये सब उनके लिए, अपने अंदर जाने वाले कंटेंट को कंट्रोल करो, शायद समर वेकेशन अपनी पूरी लाइफ बदल दे।